नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है व्हाट यू वांट। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं सुकन्या समृद्धि योजना के कैलकुलेटर के बारे में। आप कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं कि जो पैसा आप जमा कर रहे हैं मैच्योरिटी के टाइम पर आपको कितना पैसा मिलने वाला है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए जो न्यूनतम राशि है जो कि 250 रुपये है, अगर आप 250 रुपये पर मंथ जमा करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मैच्योरिटी होने पर आपको कितना पैसा वापस मिलने वाला है। अगर आप 500 जमा करते हैं या फिर 1000 जमा करते हैं तो आप इजिली कैसे पता लगा सकते हैं कि आपको कितना पैसा मैच्योरिटी के टाइम पर मिलने वाला है। तो वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। जो ये सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट है ये बेटियों के लिए खोला जाता है, और अगर आप एक बेटी के पिता हैं तो आपको भी ये अकाउंट जरूर ओपन करवाना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कैलकुलेटर को कैसे यूज करना है, कैसे आपने एक एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर चेक करनी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, आपको कैलकुलेटर मिल जाएगा इस वेबसाइट पर, और इस वेबसाइट का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो यहाँ पर आपने मंथली डिपॉजिट अमाउंट डालनी है। मान लीजिए अगर आप 250 रुपया पर मंथ यहाँ पर जमा कर रहे हैं सुकन्या समृद्धि योजना में, और आपकी बेटी की उम्र 1 साल की है, तो आपको कितना पैसा मिलेगा मेच्योरिटी के टाइम पर। तो यहाँ पर आपने सिंपली अमाउंट फिल करनी है, एज जो है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, और कैलकुलेट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आप 250 रुपया पर मंथ जमा करते हैं तो आपका 42,000 रुपया टोटल जमा होगा, और आपको इसके ऊपर जो ब्याज है वो 80,745 रुपये मिलेगा। मतलब आपको मेच्योरिटी के टाइम पे टोटल अमाउंट मिलेगी 1,22,745 रुपये। आप यहाँ पर मंथ वाइज ईयर वाइज भी देख सकते हैं। ये अमाउंट थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकती है, डिपेंड करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कई बार ज्यादा हो जाता है और कई बार कम। लेकिन ये जो स्कीम है ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि इस पर मिलने वाला जो ब्याज है गवर्नमेंट की सभी स्कीम से ज्यादा मिलता है। इस अकाउंट पर आपको ब्याज मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए, पहले साल मान लीजिए आप मंथली 250 रुपये जमा कर रहे हैं, और पूरे साल के दौरान आपने 3,000 रुपये जमा किए, और आपको ब्याज मिल रहा है यहाँ पर 123,50 रुपये। मतलब आपका पूरे साल के दौरान अमाउंट हो गई 3,123,50 रुपये। अगले साल वापस से आपका इसी अकाउंट में 3,000 जमा होता है, और ब्याज जो है वो डबल हो चुका है यहाँ पर, और आपका क्लोजिंग बैलेंस जो है वो 6,484 रुपये 40 पैसे हो चुका है। ठीक इसी तरह से आपको यहाँ पर 14 सालों तक पैसा जो है वो जमा करना है, और आपको 21 सालों के बाद जो है इसका पैसा वापस रिटर्न मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 250 रुपये जमा करने पर आपको 21 सालों में 1,22,745 रुपये मिल रहे हैं। अब बात करते हैं, अगर आप इस अकाउंट में 500 रुपया पर मंथ जमा करते हैं तो आपको कितना मिलता है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, अगर आप 500 रुपया पर मंथ जमा करते हैं तो अमाउंट ये डबल हो चुकी है, क्योंकि पहले हमने 250 रुपया यहाँ पर फिल किया था, अब हम 500 रुपया फिल कर रहे हैं। अगर आप 1,000 रुपया पर मंथ यहाँ पर जमा करते हैं, और वापस से मैं कैलकुलेट पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर मैं 1,000 रुपया पर मंथ यहाँ पर जमा करता हूँ तो मेरी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो 1,68,000 होगी। लेकिन इसके ऊपर मुझे जो ब्याज है वो आप देख सकते हैं 3,22,980 रुपये जो ब्याज है वो मिलेगा। मतलब मेच्योरिटी के टाइम पर टोटल जो अमाउंट रहेगी वो 4,90,980 रुपये 64 पैसे, जो कि बहुत अच्छा रिटर्न है। और ये वाला पूरा प्रोसेस आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि आपने साल दर साल कितना पैसा जमा किया, और आपको कितना पैसा ब्याज के रूप में मिल रहा है, और कितना पैसा आपका टोटल हो चुका है। अगर आप 1,000 से ज्यादा पर मंथ जमा करते हैं, मान लीजिए अगर आप 5,000 रुपया पर मंथ जमा कर रहे हैं इस अकाउंट में, तो वो भी आप देख सकते हैं कि आपने इस अकाउंट में कितना पैसा जमा किया और आपको कितना पैसा यहाँ पर रिटर्न मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते हैं तो साल के अंदर एक साल में आप 60,000 रुपये जमा कर रहे हैं, और आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगी वो 8,40,000 की होगी। लेकिन आपको इसके ऊपर जो ब्याज मिल रहा है वो मिल रहा है 16,14,904 रुपये 24 पैसे। मतलब मैच्योरिटी के टाइम पर आपको यहाँ पर मिलने वाला है 24,54,904 रुपये 24 पैसे, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है और बहुत अच्छा प्लान है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत ये जो योजना थी ये शुरू की गई थी, और बहुत पॉपुलर योजना है। और अगर आपने अभी तक इस योजना में अकाउंट नहीं खुलवाया अपनी बेटी के लिए, तो मैं सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस अकाउंट को जरूर से जरूर ओपन करवाएं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को
हाँ लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।